ए अल्लाह मजबूर लोगों की मजबूरियां ख़त्म कर दे, अपनी रहमत के सदके हर घर में खुशियों की बारिश अता कर दे। इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह सुबह बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। आज मुझे उठते ही बहुत वीकनेस सा फील हो रहा था, शायद फीवर हो रहा था, तो मैंने फ़ौरन से नाश्ता करके एक टेबलेट पेनाडोल की ली, फिर थोड़ा रेस्ट भी किया था। पर घर की हालत बहुत ज़्यादा मेसी हो रही थी और किचन भी ख़राब हो रहा था, तो खाना बनाने से पहले थोड़ा बहुत मैंने किचन को समेट लिया, क्योंकि रात से ही फीवर था मुझे। से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बॉयल एग खा लो, क्योंकि एग में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, हमारे हेयर, स्किन, नेल्स और आई साइट के लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं उसमें। मुझे सिर्फ बॉयल एग पसंद नहीं है, तो मैंने उनको हल्के ऑयल में उनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। इसमें खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और बच्चे भी शौक से खाते हैं। कभी आप घर पर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, पर काली मिर्च में ज़्यादा अच्छा लगता है। रेसिपी में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो जब भी कोई जल्दी में डिश तैयार करनी हो तो ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलती है। शुरू में सोचती थी कि व्लॉग बनाना कितना आसान काम है, पर अब पता चल रहा है कि एक एक सब्सक्राइबर के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और सलाम है जिनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। खैर, बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, पर तब तक मैंने अपनी ये डिश भी तैयार कर ली है और तकरीबन ये रेडी है। रात का खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा बाहर से ही कुछ खा लेते हैं, तो हम बाहर खाना खाने गए थे, ऑर्डर किया और गाड़ी में ही बैठकर हमने वहाँ पे खाया था। इसी तरह तो हमारी आउटिंग भी हो जाती है और अच्छा लगता है, मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं और इसी तरह हम एक दूसरे को अच्छे से टाइम भी दे सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा और अपनी फैमिली में शेयर करें। अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।